If you haven't subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos. अच्छा, आज मैंने एक ऐसा इंडिकेटर फाइंड किया जो कि हैकानाशी कैंडल्स के बेस पे, और वो हमें जो सिग्नल्स देगा वो हमें परफेक्ट सिग्नल्स बना के देगा, क्योंकि जो हम कैंडल्स यूज करते हैं ना उतने अच्छे सिग्नल्स बना के नहीं देती, ठीक है। उनमें वैसे भी जो नॉइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं इस इंडिकेटर को यहाँ पे हाइड करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि यहाँ पे हमने बाय करना है कि सेल करना है। मीन्स ओवरऑल जो ट्रेंड होगा मार्केट का वो आपको यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक कैंडल रेड बन रही होती है, अगली ग्रीन बन रही होती है। तो फिर हम स्विच करते हैं यहाँ से हैकानाशी में, लेकिन जो हैकानाशी कैंडल्स होती हैं वो इतना ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं क्रिएट करती। बाय द वे उसमें ये इशू आता है कि जब हम यहाँ पे इसका चार्ट देखते हैं तो उसमें जो ये हमारी कैंडल्स होती हैं ये मतलब बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन इनका जो हायर हाई और हायर लोअर लो होते हैं, मतलब कैंडल्स के जो विक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, जिसकी बेस पे हमें ये लगता है कि यहाँ से मार्केट अप जा रही है, लेकिन वो मोस्टली कैंडल्स तो ग्रीन होती हैं लेकिन वहाँ से मार्केट डाउन आ जाती है। हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है तो हम उसको शॉर्ट करते हैं, लेकिन वहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये प्रॉब्लम होता है, मतलब इतनी ज़्यादा ये एक्यूरेट नहीं है। तो इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए और इसको 5 मिनट स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक और इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जो कि वो भी इंडिकेटर जो है वो हैकानाशी कैंडल्स की बेस पे है, लेकिन वो हमें ज़्यादा एक्यूरेट और परफेक्ट सिग्नल्स बना के देगा। तो ये इंडिकेटर है, अभी मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, अभी मैं मैकडी को भी क्रॉस कर देता हूँ। तो ये कम्प्लीट स्ट्रेटजी है, 4 से 5 कंडीशंस होंगी उसमें बाय के लिए एंड सेल के लिए, फिर हमारी जाके जो स्ट्रेटजी है वो 90 से 95% तक एक्यूरेट बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंडिकेटर में आना और यहाँ पे हमने टाइप करना है NSDNT। ये टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे ये जो इंडिकेटर आ रहा है NSDT HAMA कैंडल्स, तो इसको हमने क्लिक कर लेना है। बाय द वे आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं लाइक दिस, और ये जो पहला इंडिकेटर आएगा आपने इसको क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद ये हमारा चार्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे लोडिंग हो रही है। और जो दूसरा इंडिकेटर है वो हमने यूज़ करना है MACD का, तो ये हमारा अप्लाई हो चुका है। तो अभी MACD को भी यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद हमने इसको क्रॉस कर देना है। अभी MACD भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो फिर हमें इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है। अभी जो हमने ये कैंडल्स वाला इंडिकेटर यूज़ किया, इसकी सेटिंग के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टाइल में जाना है, और यहाँ पे जो बार का कलर है उसको आप हाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। बाय द वे मैं यहाँ पे इसको हाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा हाइड हो गया, मेरी बार्स एज इट इज़ शो होंगी। उसके बाद हमने इनपुट्स में जाना है और यहाँ पर एज इट इज़ सारी सेटिंग रखेंगे। जस्ट आपने जो ये मूविंग एवरेज जो है इसकी लाइन की लेंथ है उसको 100 कर देना है। तो MA लाइन की लेंथ है, इसको आपने 100 कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद आपने सारी सेटिंग सेम रखनी है, ठीक है। तो जस्ट मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब हमने जो MACD की सेटिंग करनी है उसमें हमने ये करना है कि हमने जस्ट MACD की लेंथ और इसमें जो हिस्टोग्राम है उसको शो करना है। तो सबसे पहले मैं स्टाइल पे आता हूँ, जो हिस्टोग्राम है उसको चेक रहने देता हूँ, बाकी जो MACD और सिग्नल लाइन है इसको अनचेक कर देता हूँ। अभी मेरी जस्ट हिस्टोग्राम शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमने 100 मूविंग एवरेज यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी हम 100 यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं MACD के इनपुट्स में आऊँगा और यहाँ पर जो फास्ट लेंथ उसको 100 कर दूँगा, और स्लो लेंथ 200 हो जाएगी मेरी, और इसके बाद जो सिग्नल स्मूथिंग है वो मेरी 50 हो जाएगी, और उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी मेरी ये भी सेटिंग हो चुकी है और वो भी हो चुकी है, दोनों इंडिकेटर मेरे यहाँ पे सेटअप हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे बाय एंड सेल के सिग्नल्स फाइंड करने हैं। तो बाय के लिए जो रूल है, सबसे पहले बाय की बात करते हैं। तो बाय के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपने जस्ट ये देखना है कि ये जो कैंडल्स हैं, और ये एक्चुअली यहाँ पे दो तरह की कैंडल शो हो रही हैं, एक ये वाली कैंडल है जो हमारी एक्चुअल चार्ट की कैंडल्स हैं, और एक ये कैंडल्स हैं। ये हमारी जो कैंडल्स हैं ये इंडिकेटर शो कर रहा है, तो ये दो कैंडल्स हैं। तो जब भी मैं कैंडल्स की बात करूँगा तो मतलब ये दोनों कैंडल्स की जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो सपोज डैड यहाँ पर बाय का एक सिग्नल फाइन करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी कैंडल थी और ये कैंडल थी, ये इस लाइन के नीचे थी, ये जो लाइन शो हो रही है, ये जो रेड और ग्रीन किस्म की लाइन एक शो हो रही है यहाँ पे बिल्कुल बारीक सी, तो इसके नीचे थी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हमें मिला इस जगह पे, तो इस जगह पे क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ है एग्जैक्टली इस जगह पर, ठीक है। तो ये जो कैंडल्स हैं हमारी,
इन्होंने क्रॉस किया इस लाइन को ऊपर की तरफ, और इसी जगह पे ये कैंडल भी क्रॉस किए हैं। वैसे तो इनकी पोजीशन में डिफरेंस है, मतलब ये यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, ये यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, लेकिन ये जो क्रॉस ओवर होगा ये एक ही टाइम पे होगा। वैसे इनकी मतलब डिस्टेंस है इनके दरमियान, लेकिन क्रॉस ओवर एक ही टाइम पे होगा। वैसे आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं या आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्रॉस ओवर एक ही टाइम पे होगा। ये नहीं होगा कि ये 5 मिनट पहले क्रॉस ओवर हो, ये 10 मिनट बाद ओवर हो, या 5-10 मिनट बाद ओवर हो, एट अ टाइम ही ये क्रॉस ओवर होगा। जब भी ये क्रॉस ओवर होगा तो ये भी क्रॉस ओवर साथ होगा, तो मतलब यहाँ पर क्रॉस ओवर हमारा हो रहा है। उसके साथ हमने ये देखना है कि ये जो हमारा मैकडी की हिस्टोग्राम है ये भी ग्रीन होनी चाहिए। तो जैसे ये तीन कन्फर्मेशंस हो जाएंगी तो हमने एक कैंडल का वेट करना है। जैसे ये कैंडल इस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करके मतलब फुल बन जाएगी इस जगह पे, जैसे यहाँ पे बनेंगे, तो उसके बाद हम अपनी ट्रेड लेंगे। तो इस कैंडल पे हम अपनी ट्रेड लेंगे क्योंकि ये इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हो चुकी है, और ये जो लाइन है ये पहले रेड थी, अब ये टर्न हो गई है ग्रीन में। मतलब ये पहले रेड थी, बेरिश ट्रेंड था, उसके बाद ये ग्रीन हो गया, मतलब यहाँ से अब जो है हमारा बुलिश ट्रेंड आ सकते हैं। तो उसके बाद बुलिश ट्रेंड हमारा आया भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मेयर करूँ तो ये हमारा यहाँ पे इस जगह से लेके इस जगह तक कितना अच्छा हमें प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो हमने ये तीन कन्फर्मेशन देखनी है। सबसे पहले जैसे ये क्रॉस ओवर होगा हमारी मेन कैंडल्स का, तो वहाँ पर हमारी ये जो लीनियर कैंडल्स हैं, सॉरी ये जो हमारी एकनाशी की कैंडल्स हैं, ये भी क्रॉस ओवर देंगी। तो ये एक कंडीशन होगी, जैसे ही हमारी ये कैंडल्स क्रॉस ओवर करेंगी तो हमने उसी जगह पे मैकडी को देखना है, और मैकडी का कलर बाय के केस में ग्रीन होना चाहिए। दो कन्फर्मेशन होगी। तीसरी कन्फर्मेशन हमने ये करनी है कि एक कैंडल एटलीस्ट इस लाइन के ऊपर बननी चाहिए, और इसका कलर जो है लाइन का वो फिर हमारा रेड से ग्रीन हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ से हमारी जो मार्केट है वो लॉन्ग होगी। तो फिर हमने अपनी बाय की ट्रेड को ओपन करना है। अब जिसका स्टॉप लॉस होगा वो सपोज डेट हमने यहाँ पे एंट्री ली, तो स्टॉप लॉस हमारा जो प्रीवियस लोअर लो है ये इससे थोड़ा सा नीचे बनेगा, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 1:2 या जितना आपने रखना है 1:3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा इजीली हिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बाइक की जो ट्रेड है वो ओपन करनी है। अभी मैं आपको शार्ट की ट्रेड्स ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पहले क्या थी, मार्केट हमारी अप ट्रेंड में थी, ठीक है। पहले जो हमारा ट्रेंड था वो अप चल रहा था, और यहाँ पे एक पॉइंट आया जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, और यहाँ से फिर मार्केट जो है वो हमारी डाउन गई है। अब यहाँ पे ये हमारी कैंडल्स इस लाइन के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर देखने को मिला, और क्रॉस ओवर ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है। बाय की केस में नीचे से ऊपर होता है, लेकिन सेल की केस में, शॉर्ट ट्रेड की केस में, ये ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो जैसे ही हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला है, हमारी ये कैंडल्स ने एक्चुअली यहाँ पे हमारी कैंडल्स ने क्रॉस ओवर किया, उसके साथ ही उसी टाइम पे हमारा क्रॉस ओवर इन कैंडल्स ने भी किया है, ठीक है, जो हमारी ये हेकनाशी की कैंडल्स है। तो ये क्रॉस ओवर एक ही टाइम पे होगा। उसके बाद हमने देखना है कि मैकडी का कलर क्या है। मैकडी का कलर सेल की केस में रेड होना चाहिए। तो दो कन्फर्मेशन हमारी हो जाएंगी। तीसरी कन्फर्मेशन हमने ये करनी कि हमने एटलीस्ट एक कैंडल का वेट करना है। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है इस जगह पे, तो हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ पे ये जैसे ही हमारी कैंडल क्रॉस होगी तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेंगे इस जगह पे आगे, ठीक है। और उसके बाद हमें कन्फर्म ट्रेड यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये हमें ग्रीन दिखा रहा था, मतलब यहाँ से कैंडल ऊपर भी जा सकती थी। तो हमने एक कैंडल का वेट करना है, तब तक वो इसके नीचे नहीं आएगी तब तक हम ट्रेड नहीं लगाएंगे। और इससे हमें ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि जो हमारी कलर्स है कैंडल्स, जो हमारी कैंडल्स का कलर है वो भी हमारा यहाँ पे रेड हो चुका है, और उसके साथ ये जो लाइन थी ये भी हमारी रेड हो चुकी है। तो हमें हर चीज़ यहाँ पे रेड ही दिखाई देगी। तो ये कन्फर्मेशन होगी कि यहाँ पे अब जो ट्रेंड है वो बेरिश हो गया। तो इस जगह पे हमने ट्रेड लेनी है, इस जगह पे नहीं लेनी। क्रॉस ओवर पर हम लेंगे तो वो नीचे तो आ सकती है मार्केट, लेकिन वहाँ से अपवर्ड भी जा सकती है पुल बैक की केस में, ठीक है। तो आपने हमेशा इस जगह पर उसको ट्रेड करना है। जैसे ही कैंडल एक उसके नीचे क्रॉस होगी तब आपने ट्रेड लगानी है इस जगह पे। तो इसका प्रॉफिट देखते हैं, तो ये इसने हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिया इस जगह पे। अगर मैं इसको यहाँ पे मेयर करूँ इस जगह से लेके इस जगह तक, तो ये तकरीबन 115 बार्स का प्रॉफिट बना है, 3% का तकरीबन, विदाउट एनी लेवरेज, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह शॉर्ट की ट्रेड होगी। तो स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा ऊपर होगा, जो इसका हायर हाई होगा। अभी मैं लगा के दिखाता हूँ, लाइक ये हमारी शॉर्ट की पोजीशन होगी। यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट किया, और ये हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ पे,
जितना भी आपने सेट करना है, और स्टॉप लॉस इस हायर हाई से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, डेट्स इट। तो ये इस तरह से आपने शॉर्ट की ट्रेड ओपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have not subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos.